बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है कॉलेज का भूत। किसी शहर के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिले चल रहे थे। नए छात्र कॉलेज में प्रवेश को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन साथ ही उन्हें वरिष्ठ छात्रों से रैगिंग का डर भी सता रहा था। मैंने सुना है यहाँ के सीनियर्स बहुत बुरी रैगिंग करते हैं। यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी, भगवान जाने हमारे सीनियर्स हमारे साथ क्या करेंगे। तुम और ज्यादा मत डराओ, पहले ही मेरे दिल की धड़कन बढ़े जा रही है। जहाँ कुछ छात्र रैगिंग को लेकर इतना डर रहे होते हैं, वहीं उन छात्रों के बीच एक नैंसी नाम की लड़की भी होती है जिसे रैगिंग का बिल्कुल भी डर नहीं होता। जब सीनियर्स सभी छात्रों की रैगिंग करने आते हैं तो नैंसी भी वहीं खड़ी होती है। उन सभी सीनियर्स में से एक सीनियर अनुज नैंसी को अपने पास बुलाता है। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, लेकिन कैंटीन से नहीं, प्रिंसिपल के रूम से लेकर आओ। नैंसी बिना कुछ बोले चुपचाप अनुज का कहा काम पूरा कर देती है। दोबारा मुझे डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता। नैंसी की हिम्मत देखकर अनुज के अहंकार को ठेस पहुंचती है, जिस पर अनुज की दोस्त अदिति सामने आती है और नैंसी से बोलती है, तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे पता था कि आज मेरी रैगिंग होगी, इसीलिए मैं पहले से ही तैयार होकर आई हूँ। अच्छा, ऐसा है, तो तुम्हारी रैगिंग अब शुरू होगी और आज का सबसे मुश्किल काम तुम ही करोगी। देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारी रैगिंग ये है कि आज की पूरी रात तुम्हें कॉलेज के मुर्दा घर में बितानी होगी। अनुज की बात सुनकर नैंसी घबरा जाती है, लेकिन किसी को अपना डर ना दिखाते हुए वो हिम्मत करके बोलती है, ठीक है। नैंसी का जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद अनुज और अदिति उसी कॉलेज के मुर्दा घर के पास ले जाते हैं। सोच लो, तुम्हें इस मुर्दा घर में कल सुबह तक अकेले रहना होगा। कल सुबह जब हम यहाँ आकर ये दरवाजा खोलेंगे, तुम सिर्फ तभी यहाँ से बाहर निकल सकती हो। मैं तैयार हूँ। अनुज और अदिति नैंसी को मुर्दा घर के अंदर बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। नैंसी मुर्दा घर के अंदर बनी एक खिड़की के पास टेबल पर जाकर बैठ जाती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। काश ये रात जल्दी बीत जाए। खिड़की के बाहर देखते हुए नैंसी खुद से बातें करने लगती है। कुछ देर बाद अचानक से उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आवाज सुनकर जैसे ही नैंसी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने सामने वाली दीवार पर किसी की परछाई नजर आती है। जरूर कोई सीनियर मुझे डराने के लिए ये सब कर रहा होगा। नैंसी दोबारा खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ जाती है, जिसकी कुछ देर बाद उसे फिर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो दोबारा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन इस बार भी वहाँ कोई नहीं होता। कौन है वहाँ? नैंसी डरते हुए बार बार एक ही बात पूछती रहती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। कौन है वहाँ? जो भी है सामने आ जाओ। नैंसी ये सब बोल ही रही होती है कि तभी अनुज और अदिति मुर्दा घर की खिड़की के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें नैंसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों मुर्दा घर की तरफ देखने लगते हैं। नैंसी उसमें अकेले किससे बात कर रही है? अनुज को नैंसी के पीछे किसी की परछाई नजर आती है। वो अदिति को टोकते हुए बोलता है, नैंसी के साथ वो दूसरा इंसान कौन है? अनुज की बात सुनकर अदिति परछाई को ध्यान से देखने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत धुंध होने की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से नजर नहीं आता। ये सब देखने के बाद वो दोनों नैंसी के पास जाने का निर्णय करते ही हैं कि तभी उन्हें नैंसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नैंसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और भागते हुए मुर्दा घर के पास पहुंचते हैं और बाहर खड़े होकर चिल्लाते हुए नैंसी से पूछते हैं, नैंसी तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हारे साथ वो दूसरा इंसान कौन है? बहुत बार पूछने पर भी जब नैंसी का कोई जवाब नहीं आता तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं
और डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उनसे दरवाजा नहीं खुलता। ये दरवाजा तो बहुत आसानी से खुल जाता था, तो आज क्यों नहीं खुल रहा? मुझे लगता है अंदर जरूर कोई भूत है। अदिति की बात से अनुज बहुत घबरा जाता है और पूरी ताकत के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। दोनों की आवाज सुनकर कॉलेज का चौकीदार भी वहां आ जाता है। क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, एक लड़की अंदर फंस गई है, हम उसे बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अदिति की बात सुनकर चौकीदार भी उनके साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उन सभी कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल पाता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बहुत ताकतवर इंसान अंदर से इस दरवाजे को पकड़ कर खड़ा है? चौकीदार की बात से अदिति और अनुज बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पर फिर भी वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ते और मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह रात से सुबह हो जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब सब थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं। उन सब के बैठते ही मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? ये सब बाद में सोचेंगे, पहले नैन्सी के पास चलते हैं। इसके बाद वो सब मुर्दा घर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें नैन्सी जमीन पर बेहोश नजर आती है। नैन्सी, नैन्सी उठो, क्या तुम ठीक हो? वो नैन्सी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती, जिसकी वजह से सब बहुत डर जाते हैं। वो नैन्सी को उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद कॉलेज के डॉक्टर नैन्सी का इलाज करते हैं और फिर सब नैन्सी के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। ये हमने क्या कर दिया? अगर हम नैन्सी को मुर्दा घर में नहीं भेजते तो उसकी ये हालत नहीं होती। नैन्सी की ऐसी हालत देखते हुए अदिति और अनुज अपनी गलती पर अफसोस करने लगते हैं और नैन्सी के उठने का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, पर नैन्सी को होश नहीं आता। 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक नैन्सी को होश नहीं आया। कहीं से कुछ हो ना जाए, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, इसे भी होश जरूर आ जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारो। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि नैन्सी को होश आ जाता है। नैन्सी को होश में देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नैन्सी, कैसी हो तुम? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मैं ठीक हूँ। नैन्सी, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें उस मुर्दा घर में नहीं भेजना चाहिए था, ये सब हमारी गलती है। हाँ, उस रात जब से तुम्हें चिल्लाते हुए सुना तभी से हम दोनों बहुत परेशान हैं। अच्छा हुआ तुम बिल्कुल ठीक हो, नहीं तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। अच्छा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम बता सकती हो कि उस रात तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाई थी और फिर तुम बेहोश कैसे हो गई? हाँ जरूर, लेकिन मुझे बस इतना ही याद है कि मैं वहाँ बैठी हुई थी, तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद मुझे दीवार पर किसी की डरावनी सी परछाई नजर आई और मैं बेहोश हो गई। फिर वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। नैन्सी की बात सुनकर अदिति और अनुज बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि कॉलेज के मुर्दा घर में एक डरावना भूत है, जिसे सुनकर कॉलेज के कुछ पुराने छात्र भी अपने साथ हुई डरावनी घटनाओं के बारे में बताते हैं। सभी छात्रों की बात सुनकर सभी की भलाई के लिए कॉलेज के संस्थापक जल्दी ही मुर्दा घर वाली मंजिल को बंद करवा देते हैं और कॉलेज के सीनियर भी वहाँ हमेशा के लिए रैगिंग बंद कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको मेरी ये भूतिया कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।